हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केस एंड टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा MT-15 के न्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि पूरी ग्लोबल मार्केट में यामाहा RN5 का 2021 मॉडल आ चुका है और जल्दी ही यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको यामाहा MT-15 का 2021 का मॉडल लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा पूरी ग्लोबल मार्केट में। क्योंकि फिलहाल में दोस्तों यामाहा की सारी बाइकें अपडेट हो चुकी है नए फीचर्स के साथ, सिर्फ यामाहा MT-15 और यामाहा MT-03 रहती है। इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूं यामाहा MT-15 के 2021 मॉडल के बारे में कि ये बाइक आपको कौन से मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, बाइक में क्या कुछ फीचर्स आएंगे और बाइक का नया प्राइस क्या रखा जाएगा। तो 2021 यामाहा MT-15 के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यामाहा के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने FZX के लॉन्च के टाइम पर कहा था कि वो अपनी सारी बाइकों को अपडेट करने वाले हैं 2021 के मॉडल के साथ, और उन्होंने ऐसा करा भी है। फिलहाल में ही आपको यामाहा RN5 का नया मॉडल देखने को मिला है इंडियन मार्केट में और पूरी ग्लोबल मार्केट में। तो अब दोस्तों बारी है यामाहा MT-15 के न्यू मॉडल की। तो चलिए बात करते हैं यामाहा MT-15 के बारे में कि बाइक में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और बाइक की पावर में कितना ड्रॉप आएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बाइक के डिजाइन में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फिलहाल में यामा ने अपनी MT-09 और MT-07 के डिजाइन को भी काफी हद तक चेंज कर दिया है। इसीलिए आपको यामा MT-15 का भी सेम डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि काफी हद तक मैच करेगा यामा MT-09 से। और अगर आपको MT-09 और MT-07 के बारे में पता है तो आपने दोस्तों नोटिस भी करा होगा जो यामा MT-07 का साइड DRLs वाला डिजाइन है वही आपको सेम यामा RN5 V4 में और यामाहा R7 में देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो बाइक का डिजाइन होगा वो काफी ज्यादा सिमिलर होगा यामाहा MT-09 के 2021 के मॉडल से, जिसमें आपको दोस्तों फ्रंट में LED प्रोजेक्टर लैंप तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ इसके डायल्स में भी थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा जिससे ये बाइक थोड़ी सी और ज्यादा अग्रेसिव और रोबोटिक लुक दे सके। और दूसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा बाइक के फीचर्स में। वैसे मुझे फीचर्स बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही होगा कि यामाहा MT-15 में कौन कौन से फीचर्स आएंगे, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको इसमें सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे जो यामाहा RN5 V4 में ऐड करेगा गया है, जैसा कि बाइक के कंसोल को थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा और बाइक में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी वाला फीचर ऐड ऑन करा जाएगा। और इन सभी के साथ साथ दोस्तों आपको इस बाइक में क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे और हो सकता है यामाहा इस बाइक में भी ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर डाल दे। तो ओवरऑल बात करी जाए तो बाइक दोस्तों काफी ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में पुरानी वाली MT-15 से। और बात करें सस्पेंशन की तो आपको यामाहा MT-15 के नए मॉडल में फ्रंट पार्ट में गोल्डन अपसाइड डाउन फोक देखने को मिलेंगे और बाइक के रियर पार्ट में सेम मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। और जो बाइक की लाइटनिंग होगी वो आपको सेम देखने को मिलेगी, मतलब बाइक के फ्रंट और रियर पार्ट में सेम LED लाइटनिंग का यूज किया जाएगा और बाइक के साइड इंडिकेटर में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा। और जो बाइक के डायमेंशन, टायर साइज और फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी वो भी दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगी पुरानी वाली यामाहा MT-15 से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर यामाहा MT-15 का 2021 का मॉडल कब तक लॉन्च हो जाएगा पूरी ग्लोबल मार्केट में और लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा। दोस्तों इस बात के पूरे चांसेस है यामाहा MT-15 का भी आपको ऑफिशियल लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में और ये बाइक आपको दिसंबर के मंथ में या फिर जैन से फरवरी के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी पूरी ग्लोबल मार्केट में। और दोस्तों जब ये बाइक लॉन्च होगी तो इस बाइक का प्राइस 10,000 से 20,000 के डिफरेंस पे रखा जाएगा जो फिलहाल में MT-15 का प्राइस है, यानी कि इस बाइक का प्राइस 150,000 से 160,000 के प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो यामाहा MT-15 के 2021 के मॉडल के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हो या नहीं और आपके हिसाब से क्या यामाहा MT-15 के डिजाइन को चेंज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से तो यामाहा MT-15 का डिजाइन पहले से ही काफी ज्यादा अग्रेसिव और काफी ज्यादा यूनिक है, तो मुझे नहीं लगता कि यामाहा MT-15 के डिजाइन को चेंज करना चाहिए। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।